हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हमने अब तक भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक और पड़ोसी देश के बारे में जिसका नाम है श्रीलंका। तो आइए शुरुआत करते हैं श्रीलंका की, जिसमें हम देखेंगे वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, भाषा के बारे में। तो बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका 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 की अगर हम बात करें तो यह एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश है और कहां पर है? भारत के दक्षिण में। भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है और इसमें अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। कि जो श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है और भारत के दक्षिण में स्थित है। बात करें यहाँ की जनसंख्या की, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो है 21.02 करोड़। यहाँ की जो जनसंख्या है, श्रीलंका की जो जनसंख्या है वो 21.2 करोड़ जनसंख्या है। और इस जनसंख्या में जो सिंहली है वो बहुसंख्यक है। सिंहली बहुसंख्यक, सिंहली बहुसंख्यक है और जो सिंहली है वो अधिकतर बौद्धिक है, बौद्धिक बौद्ध धर्म के हैं। जो 21 करोड़ जनसंख्या है और सिंहली बहुसंख्यक यहाँ पर रहते हैं, बौद्धिक धर्म के लोग रहते हैं अधिक, और यहाँ पर भारतीय मूल के तमिल भी रहते हैं, भारतीय मूल के तमिल भी यहाँ पर रहते हैं। तो इसके बाद बात करते हैं इसकी राजधानी की। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो श्री जयवर्धने कोट है। श्री जयवर्धने श्री जयवर्धने पूरा कोट श्री जयवर्धने पूरा कोट जो है श्रीलंका की राजधानी है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की भाषा की, कि यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो है सिंहली, तमिल और अंग्रेजी। सिंहली, तमिल और अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। तो जो श्रीलंका है द्वीपीय देश है, भारत के दक्षिण में स्थित है, यहाँ की जनसंख्या 21 करोड़ है जो कि सिंहली बहुसंख्यक देश है, यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले अधिक रहते हैं और भारतीय तमिल भी, भारतीय मूल के जो तमिल व्यक्ति हैं वो भी श्रीलंका में रहते हैं। उसके बाद जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट इसकी राजधानी है और यहाँ की जो भाषा है वो सिंहली, तमिल और अंग्रेजी यहाँ की भाषा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि जो इसका जो निक नेम कह सकते हैं कि व्यापारी जब लोग आए थे व्यापार करने के लिए और जो अरबियन से लोग आए थे, अरब से जो लोग आए थे, उन्होंने इसको क्या क्या नाम दिए। तो जो व्यापारी, जो यूरोपीय व्यापारी आए थे, यूरोपीय व्यापारी जब आए थे तो यूरोपीय व्यापारी इनको जो कहते थे वो पूरो का मोती और स्वर्ग वाटिका। श्रीलंका को पूरो का मोती कहते थे और स्वर्ग वाटिका कहते थे यूरोपीय व्यापारी। और जो अरब व्यापारी थे, अरब व्यापारी
अरब व्यापारी क्या कहते थे? वो कहते थे केरलों का द्वीप, केरलों का द्वीप। तो जो यूरोपीय व्यापारी पूर्व का मोती और स्वर्ग वाटिका के नाम से संबोधित करते थे श्रीलंका को, और जो अरब के व्यापारी थे वो संबोधित करते थे केरलों के द्वीप से श्रीलंका। इसके बाद बात करते हैं, ये जो श्रीलंका है वो एक प्री कैम्ब्रियन युग के कठोर शैलों से निर्मित है। जो श्रीलंका है वो प्री कैम्ब्रियन युग की कठोर शैलों से निर्मित है। प्री कैम्ब्रियन युग की कठोर शैल, कठोर शैल से निर्मित है। जो श्रीलंका है वो प्री कैम्ब्रियन युग की कठोर शैलों से निर्मित है, और उसमें कौन सी शैल आती है? कयांत्रित। कयांत्रित शैल, और ये जो कयांत्रित शैल है इसमें भी कौन सी है? निश्वशिष्ट। कयांत्रित शैल की निश्वशिष्ट, निश्वशिष्ट कयांत्रित शैल की निश्वशिष्ट जो शैल है उससे बना है श्रीलंका, और कयांत्रित शैलों में कीमती रत्न पाए जाते हैं। कीमती रतन, रतन पाए जाते हैं, तो कीमती रतन पाए जाते हैं, तो इस कारण श्रीलंका को रत्नों का द्वीप भी कहते हैं, रत्नों का द्वीप। श्रीलंका को रत्नों का द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां की जो शैल है, जो वहां की जो भूमि है वो कठोर भूमि है, कठोर, और कौन सी है? कयांत्रित शैलों से बनी है, जहाँ पर कीमती पत्थर यानी जो कीमती रत्न वहाँ पर पाए जाते हैं, और रत्न कीमती पाए जाने के कारण श्रीलंका को रत्नों का द्वीप कहा जाता है, रत्नों का द्वीप कहा जाता है। तो ये था एक बेसिक सी बातें कि द्वीपीय देश है, उसके जो अन्य नाम है, व्यापारी लोग क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग में इसको क्या कहा जाता था, और प्री कैम्ब्रियन युग की कौन सी शैल से ये बना है, कि और कौन सी वहाँ की भाषा है। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये भारत के सभी पड़ोसी देश सुन रहे हैं अभी तक, जिन्होंने पहले जो वाले वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाके, जिसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, उन सभी के बारे में बताया गया है। और अब बात करते हैं इसके जो है पर्वत पठार कौन कौन से है। तो इसके बात करें, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो इसके पश्चिम में क्या स्थित है? इसके पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा एक हटन का पठार। कौन सा पठार? हटन का पठार। अगर हम बात करते हैं इसके पूर्व में, तो पूर्व में इसके आपको देखने का क्या मिलेगा? इसको पूर्व में आपको देखने के लिए मिलेगा उवा बेसिन, कि जो इसके पश्चिम में है वो है हटन का पठार, और इसके पूर्व में जो है वो है उवा बेसिन, और इसके उत्तर में जो है वो जाफना द्वीप है। उत्तर में जो है जाफना द्वीप। जो श्रीलंका है उसके उत्तर में जाफना द्वीप है,
उसके पूर्व में जो हम अगर देखते हैं पूर्व में वो है उवा बेसिन, और पश्चिम में अगर हम देखें तो वो है हटन का पठार। और यहाँ पर एक चोटी भी है, पर्वत चोटी भी है, और उस पर्वत चोटी को क्या कहते हैं? उस पर्वत चोटी को कहते हैं पिदुरु ताल गला। पिदुरु ताल गला उस चोटी का नाम है, और उस चोटी की जो ऊंचाई है वो 2524 मीटर ऊंची है। तो वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है पिदुरु ताल गला है, जो 2524 मीटर ऊंची है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है। जलवायु की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो जो श्रीलंका है वो विषुवत रेखा के उत्तर में विषुवत रेखा के नज़दीक है, और विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यह जो है उष्णकटिबंधीय जो जलवायु में स्थित है, या कह सकते हैं मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु में स्थित है। तो इसकी जो जलवायु है मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के उत्तर में है और वहाँ पर जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो ये कौन सी में है? मानसूनी जलवायु में स्थित है। अगर बात करें यहाँ के औसत वर्षा की और औसत तापमान की, तो जो औसत तापमान है, औसत तापमान, तो जो औसत तापमान है वो है 21 से 32 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस वहाँ का औसत तापमान है। और बात करें वहाँ की वर्षा की, वार्षिक जो वर्षा होती है वहाँ की, तो वो है 102 सेंटीमीटर। 102 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसत तापमान 21 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी जो वहाँ पर पाई जाती है वो लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी को वहाँ के लोग जो स्थानीय भाषा में काबुक कहते हैं, काबुक, स्थानीय भाषा में काबुक कहा जाता है वहाँ की लैटेराइट मिट्टी को। इसके बाद बात करते हैं वहाँ पर जो परियोजनाएं बनाई गई है, तो वहाँ की जो प्रमुख परियोजना है वो है समुद्र नायके। समुद्र नायके, समुद्र नायके वहां की जो जल परियोजना है, समुद्र नायके नामक जल परियोजना, समुद्र नायके नामक जल परियोजना वहां की परियोजना है, और जहाँ से इसको जल प्राप्त होता है पूरे देश में, और उसी के निकट है एक नदी महावेली गंगा, महावेली गंगा जो श्रीलंका की सबसे बड़ी या लंबी नदी है महावेली गंगा, और इसकी जो ये 330 किलोमीटर की लंबी नदी है। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है श्रीलंका की, और 330 किलोमीटर की इसकी जो है लंबाई है। इसके बाद बात करते हैं इसके संसाधनों की और खनिज संसाधन या उद्योग धंधों की। तो यहाँ के जो खनिज संसाधन हैं वो अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं मैं के बराबर है वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कोयला, अभ्रक ये वगैरह, लेकिन अल्प मात्रा। और उद्योगों की बात करें तो वहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग अधिक प्रचलित है, क्योंकि संसाधनों और खनिजों का अभाव है, जिस अभाव के कारण वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग विकसित नहीं हो पाए। लेकिन 1970 के बाद इसके इस देश ने थोड़ा विकास या वृद्धि की है, जिससे इन्होंने सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ये थोड़े थोड़े जो बड़े उद्योग हैं उनको
करना चालू किया है जिससे अपने देश का विकास कर रही है, क्योंकि ये एक विकासशील देश है, ये अपना विकास कर रहे हैं अभी तक इनका विकास हुआ नहीं है। और इसके अलावा कि यहाँ की जो कृषि है वो क्या है कि 15% भाग पर कृषि की जाती है, 15% भाग पर कृषि की जाती है, और दो प्रकार की कृषि होती है, एक होती है बागाती और दूसरी होती है निर्वाह। दो प्रकार की कृषि की जाती है, बागाती और निर्वाह कृषि। बागाती कृषि में चाय, रबड़ ये आते हैं, और निर्वाह कृषि में आती है चावल की प्रमुख कृषि, और उसके अलावा गेहूँ, गन्ना, जौ, तिल ये कृषि आती है। तो ये था श्रीलंका के बारे में, वहाँ के जो पठार है या मिट्टी है, उसी जो पर्वत चोटी है पेदुरुताल गला, इन सभी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, अगर आपको नहीं समझ में आई तो फिर से देखना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछ भी लेता है उसके आसपास पड़ोसी देशों के बारे में। ये नहीं कि सिर्फ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के ही आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इसीलिए पड़ोसी देशों के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ की जनसंख्या के बारे में, पर्वत पठारों के बारे में। तो ये थी श्रीलंका की वीडियो, समझ में नहीं आई तो फिर से एक बार देखिएगा, और जो बाकी वीडियो बनाई गई है जो भी पड़ोसी देशों की, तो उसकी वीडियो भी बनाई गई तो वो भी देख लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।